टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अब एंड रिलेटिव अटामिक मासेज ऑफ आइसोटॉप बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर तो सबसे पहले देखते हैं मास मासपेक्ट्रोमीट्री क्या है मास मासपैक्ट्रोमीट्री इज अ टेक्निक विच इज यूज टू मयर द नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट मास स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए एक एलिमेंट के आइसोटोप की तादाद का पता लगाया जाता है इट इज आल्सो यूज्ड टू मैयर द एग्जैक्ट मास ऑफ आइसोटोप मास स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए आइसोटोप के एग्जैक्ट मास पता लगाए जा सकते हैं और मास स्पेक्ट्रोमीट्री इज यूज टू मैयर द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप मास स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस का पता लगाया जाता है डेफिनेशन देखते हैं इट इज अ टेक्निक विच इज यूज टू मैयर द एग्जैक्ट मासोटॉप ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ़ एन एलिमेंट इस टेक्निक के जरिए एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप के एग्जैक्ट मास पता किए जाते हैं अलोंग विद नंबर ऑफ आइसोटॉप आइसोटॉप्स की तादाद पता की जाती है एंड दे रिलेटिव एबंडेंस और उनकी रिलेटिव एबंडेंस यानी आइसोटॉप की रिलेटिव एबंडेंस मालूम की जाती है वट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ये एक इंस्ट्रूमेंट है आला है विच इज यूज टू मैर द नंबर ऑफ आइसोटॉप इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए नंबर ऑफ आइसोटॉप एलिमेंट के पता लगाए जाते हैं एग्जैक्ट मासिज ऑफ आइसोटॉप एलिमेंट के आइसोटॉप के एग्जैक्ट मासिज पता लगाए जाते हैं मासपेक्टोमीटर के जरिए एंड रिलेटिव अबंडस ऑफ आइसोटॉप कैन बी माइर्ड बाय यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोमीटर डेफिनेशन देखते हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ये एक आला है विच इज यूज टू मैयर जिसके जरिए मैयर किए जाते हैं द एग्जैक्ट मासिस ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप डिफरेंट आइसोटॉप के एग्जैक्ट मास पता लगाए जाते हैं अलोंग विद द नंबर ऑफ आइसोटॉप नंबर ऑफ आइसोटॉप यानी आइसोटॉप की तादाद भी पता लगाई जाती है एंड देर रेलेटिबेंडेंस और एक एलिमेंट के आइसोटॉप की रेलेटिव अबेंडेंस भी मा स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए मालूम की जाती है प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री प्रिंसिपल को जेन में रखिएगा प्रिंसिपल के मुताबिक हम मास स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग को आसानी से समझ सकेंगे फर्स्ट वोलेटलाइज जिस सब्सटेंस का आपने एनालिसिस करना होता है उसको सबसे पहले वोलेटलाइज किया जाता है यानी एलिमेंट को सबसे पहले गैशियस स्टेट में लेके जाते हैं उस एलिमेंट को जिसकी हमने आइसोटोप्स और उनकी रिलेटिव अबंडेंस पता लगानी है देन सब्सटांस इज आयोनाइज वोलेटलाइज करने के बाद हम उस सब्सटेंस को आयोनाइज करेंगे यानी हम आइसोटोप को आइंस में चेंज करेंगे बाय यूजिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से हम सब्सटेंस को आयोनाइज करेंगे और जब हम सब्सटेंस को आयोनाइज कर लेंगे तो उसकी वजह से पॉजिटिव आइंस पैदा हो जाएंगे फर्ज करें एक एलिमेंट है जिसके तीन आइसोटोप हैं तो तीन डिफरेंट तरह के पॉजिटिव आइंस पैदा होंगे हर एक की मास टू चार्ज रेशो डिफरेंट होगी क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स के मासेस डिफरेंट हैं जब डिफरेंट होंगे मास टू चार्ज रेशो भी डिफरेंट होगी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो आइसोटोप्स मिसाल के तौर पर नियोन के तीन आइसोटोप हैं, तो तीनों के मासेस डिफरेंट होंगे तो तीनों की तो चार्ज रेशो भी डिफरेंट होगी और हम मास टू तो चार्ज रेशो की बिना पर इन आइसोटोप्स को सेपरेट करेंगे दीज पॉजिटिव आइंस आर सेपरेटेड ऑन बेस ऑफ मास टू तो चार्ज रेशो ये पॉजिटिव आइन मास तो चार्ज रेशो की बिना पर अलहदा किए जाएंगे एंड रिकॉर्डेड इन दम ऑफ पीक और पीक की फार्म में उनको रिकॉर्ड किया जाएगा इसकी पीक की डिटेल हम एट द एंड ग्राफ में देखेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हमने रिलेटिव अब ऑफ आइसोटॉप नंबर ऑफ आइसोटॉप और रिलेटिव अटामिक मासोटॉप मालूम करने है ये मास स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम दिखाई गई है यहाँ से हमने सैंपल इंट्रोड्यूस करवाना है आयोनाइजेशन चैम्बर में और ये हीटेड फिलामेंट है दैट प्रोड्यूस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा और ये नेगेटिव ग्रिड लगाई गई है और यहाँ ये मैग्नेट लगाया गया है और एट द एंड ये डिटेक्टर है जिसे आयन कलेक्टर भी कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं यहाँ पॉजिटिव आइन्स आके गिरेंगे और उनके मासिस मालूम किए जाएंगे तो हम डिटेल देखते हैं जिस एलिमेंट या सबस्टांस के हमने एनालिसिस करना है सबसे पहले उसको वेपर फेज में चेंज किया जाएगा और वेपर्स का प्रेशर लो रखा जाएगा तकरीबन टेन रेज पावर माइनस सिक्स से लेकर टेन रेज पावर माइनस सेवन टार लो प्रेशर रखा जाएगा then these टू एंटर इन टू द आयोनाइजेशन चैम्बर तो यहां से वेपर फेज में नियॉन का सैंपल को एंटर होने दिया जाएगा आयोनाइजेशन चैम्बर में तो यहां से सैंपल आयोनाइजेशन चैम्बर में पहुंचेगा वेयर हीटेड फिलामेंट प्रोड्यूस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ये हीटेड फिलामेंट है जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा तो वहां यहाँ ये यह गैशियस सैंपल पहुंचेगा और उसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो किए जाएंगे द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोनाइज द एटम तो यहाँ जो सैंपल के एटम पहुंचेंगे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको आयोनाइज करेगा Then positive ions are produce, तो यहां जब एटम पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो किए जाएंगे तो पॉजिटिव आइंस पैदा हो जाएंगे और पॉजिटिव आइंस जो पैदा होंगे हर एक पॉजिटिव आइंस की मास टू चार्ज रेशो डिफरेंट होगी क्योंकि डिफरेंट आइसोटॉप के मासेस डिफरेंट होते हैं इसलिए जब मासेस डिफरेंट होंगे तो मास टू चार्ज रेशो भी आइसोटोप के लिहाज से डिफरेंट होगी पॉजिटिव आइन ऑफ ईच आइसोटोप हैज इट्स ओन मास टू चार्ज रेशो हर आइसोटोप के पॉजिटिव आइन की मास टू चार्ज रेशो डिफरेंट होती है अब जब ये पॉजिटिव आइन यहां पैदा हो जाएंगे फिर इस नेगेटिव ग्रिड यानी नेगेटिव प्लेट पर पोटेंशियल डिफरेंस 500 से लेकर 2000 हजार वोल्ट अप्लाई किया जाएगा ये नेगेटिव परफोरेटेड प्लेट है इस पर नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव पोटेंशियल है यानी इसका पोटेंशियल नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो ये पॉजिटिव आयन यू इसकी तरफ इस प्लेट की तरफ अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे इन दिस वे पॉजिटिव आइंस आर एक्सलरेटेड तो यू पॉजिटिव आइन अंदर की तरफ एक्सलेट होंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ एक्सलरेट होंगे नेगेटिव प्लेट से एक्सलेट होने के बाद ये आइन्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में यहां पहुंचेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इन आइंस को सर्कुलर पाथ में मूव करेगी मेक्स आइंस टू मूव इन द सर्कुलर पाथ यानी आइंस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड मेक आइंस मूव इन सर्कुलर पाथ और आइंस जिनकी एम ओवर ई वैल्यू यानी मास टू चार्ज रेशियो एक जैसी होगी वो एक ग्रुप में मूव करेंगे और हर कोई अपनी मास टू चार रेशियो के हिसाब से अपने अपने ग्रुप में मूव करेगा जिनकी एम और ई वैल्यू एक जैसी होगी वो एक ग्रुप में मूव करेंगे और दूसरे एम और ई वैल्यू वाले वो दूसरे ग्रुप में सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे एम और ई वैल्यू का मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखते हैं यहाँ एच जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है और ये जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर करता है और आर उस सर्कल के रेडियस ऑफ कर्वेचर को जाहिर करता है जिसमें आइन्स मूव करते हैं गौर करें तो एम और ई वैल्यू जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब एम और ई वैल्यू आइन्स की ज्यादा होगी तो फिर उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा होगा और जब एम और ई वैल्यू कम होगी तो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा और जब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होगा लेकिन रेडियस ऑफ क्रवेचर का स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनवर्स रिलेशन है जब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा और जब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा जाएगा और जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखा जाएगा यानी हम दोनों फील्ड में से एक को कांस्टेंट रखेंगे आयन मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए जाकर डिटेक्टर पर यानी आइन कलेक्टर पर फाल करेंगे गिरेंगे और जब आइन जो है वो डिटेक्टर पर फाल करेंगे अ मनय्यूट करंट इज प्रोड्यूस तो डिटेक्टर पर थोड़ा सा करंट प्रोड्यूस होगा हम क्या करेंगे कि यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो रेडियस बढ़ेगा और रेडियस जब बढ़ेगा तो फिर आइन्स पहले से मुख्तलिफ जगह पे जाके गिरेंगे यानी अगर पहले आइन्स यहाँ गिरे हैं तो फिर हम अलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर करके रेडियस ऑफ क्रवेजर चेंज कर देंगे तो आइन्स पहले से मुख्तलिफ जगह पे गिरेंगे इस तरीके से आइन्स को अलग अलग डिटेक्टर पे गिराया जाएगा और उनके करंट की मकदार मालूम की जाएगी क्योंकि जब आयस डिटेक्टर पे गिरते हैं तो करंट पैदा होता है बहुत कम करंट पैदा होता है द स्ट्रेंथ ऑफ करंट गिव द रिलेटिव अबंडेंस यहां जो करंट पैदा होगा उसकी मकदार से पता लगाया जाएगा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप अगर करंट ज्यादा पैदा हो रहा है तो उस आइसोटॉप की अबंडेंस ज्यादा होगी और अगर करंट कम पैदा होगा तो उस आइसोटोप की अबर्ंडस कम होगी के सैंपल को मास स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करने के बाद फिर, फिर सेम प्रोसीजर पर यहां कार्बन 12 का सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और सेम प्रोसीजर पर कार्बन 12 को मास स्पेक्ट्रोमीटर में से पास किया जाएगा कार्बन 12 को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है मास स्पेक्ट्रोमीटर में और गुजारा गया है क्योंकि हम तमाम एलिमेंट के अटामिक मासज कार्बन के रिलेटिव मालूम करते हैं इसलिए कार्बन ट्वेल्व को भी सेम प्रोसीजर से गुजारा जाएगा और कार्बन ट्वेल्व के रिलेटिव नियोन के रिलेटिव अटामिक मासज मालूम किए जाएंगे वर्किंग ऑफ मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ्स हमें पता है कि आइन स्ट्राइक टू द डिटेक्टर आइन आके डिटेक्टर से स्ट्राइक करते हैं तो बहुत ही माइन्यूट यानी बहुत कम मकदार में करंट पैदा होता है देन आइनिक करंट इज एम्पलीफाइड उस माइन्यूट करंट को एम्प्लीफाई किया जाता है उस करंट को बढ़ाया जाता है एम्पलीफाई किया जाता है देन आइनिक करंट इज फीड टू द रिकॉर्डर और फिर वो करंट रिकॉर्डर को फीड कर दिया जाता है रिकॉर्डर मेक अ ग्राफ रिकॉर्डर एक ग्राफ बनाता है एज शोन इन द फिगर जैसा कि ये शक्ल में दिखाया गया है मास स्पेक्ट्रोग्राफ में मास नंबर को एक्स एक्सिस पे जबकि रिलेटिव अबंडेंस को वाई एक्सिस पे लिया जाता है यह नियोन के सैंपल का मास स्पेक्ट्रोग्राफ दिखाया गया है और इस ग्राफ में ये जो लाइन है इसको पीक का नाम दिया जाता है और ये जो पीक है ये रिलेटिव अबंडेंस को जाहिर करती है अगर आप गौर करें तो यहाँ नियॉन ट्वेंटी आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस 90.92 परसेंट है और नियॉन 21 कि जो पीक है वो बहुत छोटी है उसकी रिलेटिव बहुत कम है पॉइंट टू फाइव सेवन परसेंट है जबकि नियन ट्वेंटी टू की ये पीक है और नियन ट्वेंटी टू की रिलेटिव बंड एट पॉइंट एट टू परसेंट है अब इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ में एक दो और तीन पीक है तीन पीक होने का मतलब नियॉन के तीन टॉप्स है और ये जो पीक की हाइट है ये उनकी रिलेटिव अबेंडस बता रही है आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबेंडस बता रही है और यहाँ हमें पता लग रहा है कि नियोन का एक आइसोटॉप का मास 20, दूसरे आइसोटॉप का मास 21 वन्त, और तीसरे आइसोटॉप का मास 22 है तो हमें आइसोटॉप्स के आइटामिक मास भी पता लग गए हमें आइसोटॉप्स की तादाद भी पता लग गई यानी तीन पीक है तो तीन आइसोटॉप्स है और पीक की जो हाइट है उससे हमें रिलेटिव भी पता चल गई तो हम, हमने तीनों चीजें मालूम कर ली जो मास के जरिए नंबर ऑफ आइसोटॉप भी पता लग जाते हैं मास नंबर भी पता लग जाता है और रिलेटिव अबस भी मालूम कर ली जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ वाज डिजाइन सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोग्राफ डिजाइन किया गया टू आइडेंटिफाई आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट ऑन दी बेस ऑफ देयर अटामिक मासेज एलिमेंट के आइसोटोप को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑन दी बेस ऑफ देयर अटामिक मासेज डेम्सटर मास स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन इसको तैयार किया गया था फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विच वर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट इनको उन एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए डिजाइन किया गया था जो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल थे क्वेश्चन आएगा राइट right मेथड यूज्ड फॉर दी सेपरेशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं मेथड कौन सा इस्तेमाल होगा ये तो डिपेंड करता है कि सैंपल कौन सा है बहरहाल उनके नाम देखते हैं गैशियस डिफ्यूजन थर्मल डिफ्यूजन डिस्टिलेशन अल्ट्रास्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लेजर सेपरेशन ये वो मेथड है जिनके जरिए आइसोटॉप्स को सैंपल के लिहाज से सेपरेट किया जा सकता है अल्लाह हाफिज